हाय एवरीवन, हमने यूक्लिडियन रिंग स्टार्ट किया था. ओके, तो यूक्लिडियन रिंग पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को क्लियर करना था, राइट? तो पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था एसोसिएट्स, यूनिट, डिविजिबिलिटी इन कम्यूटेटिव रिंग, राइट? और आज के वीडियो लेक्चर में हम और भी टर्म्स कंप्लीट करेंगे. ओके, तो उसमें से जो पहला टर्म है वो है प्राइम एलिमेंट. ओके, सो लेट्स सी कि प्राइम एलिमेंट क्या होता है. ओके, तो उसकी डेफिनेशन ये है कि एन एलिमेंट पी ऑफ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, यानी कि हम जो रिंग ले रहे हैं वो कैसी है, कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी एलिमेंट. ओके, तो किसी पी को मैं प्राइम एलिमेंट कब कहूँगी, जब इफ फर्स्ट इज कि वो जो पी है, पहली बात वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए. ओके, एक वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि वो जो पी है वो यूनिट नहीं होना चाहिए. पी इज़ Not a unit element. Okay? P जो है unit नहीं है. इसका मतलब ये है कि P का multiplicative inverse exist नहीं करता. Okay? हम R कौन से ले रहे हैं? Commutative ring with unity. Unity है लेकिन P का जो है multiplicative inverse exist नहीं कर रहा है. Okay? तो ये condition है कि पहली वो जो है non-zero होना चाहिए और दूसरा वो unit नहीं होना चाहिए. Second condition ये कि for every A, B belonging to R, अगर मैं A और B R से लूँ, ओके, और ये जो P है ये A, B को डिवाइड करे, ओके, मैंने A और B कोई R का एलिमेंट ले लिया, और ये जो P है ये A, B यानी कि A और B के प्रोडक्ट को डिवाइड करे, अगर ये A, B को डिवाइड करता है, दिस इम्प्लाइज, अगर ये इम्प्लाई करे कि आइदर P डिवाइड A और P डिवाइड्स B, तो हम इस पी को क्या कहेंगे, प्राइम एलिमेंट. कंडीशन क्या है कि अगर मैं कोई दो एलिमेंट लूँ ए और बी आर से, और इन दोनों के प्रोडक्ट को पी डिवाइड करता है, अगर ये चीज़ इम्प्लाई करे कि जो पी है वो या तो ए को डिवाइड करे या तो पी बी को डिवाइड करे, तो हम इस पी को क्या कहेंगे, प्राइम एलिमेंट. ओके, यानी कि अगर पी जो है ए बी को डिवाइड करता है, अगर ये इम्प्लाई करे कि P A को डिवाइड करता है या फिर P जो है B को डिवाइड करता है, तब हम इस P को क्या कहेंगे, प्राइम एलिमेंट. ओके, तो प्राइम एलिमेंट और प्राइम नंबर में कंफ्यूज नहीं होना. जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो प्राइम एलिमेंट होते हैं. ओके, अगर वो मैं एक सेट ऑफ इंटीजर से लूँ, लेकिन जब बात प्राइम एलिमेंट की आती है तो रिंग कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये है कि प्राइम एलिमेंट और प्राइम नंबर्स को सेम नहीं समझना, ठीक है? तो इस डेफिनेशन को समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से. ओके, तो मैं आर लेती हूँ इंटीजर्स का सेट. ओके, तो हमें पता है इंटीजर्स जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी, राइट? तो इस इंटीजर में जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जो प्राइम इंटीजर्स होते हैं, वो काम करते हैं एज अ प्राइम एलिमेंट. वो कैसे, लेट्स सी. सपोज इंटीजर से जो है 12 नंबर लेती हूँ. ओके, 12 मैंने एक इंटीजर ले लिया इंटीजर के सेट से. तो देखिए 12 को आप 4 × 3 भी लिख सकते हैं, राइट? 12 को आप जो है 6 × 2 भी लिख सकते हैं. ओके, तो मुझे ये चेक करना है कि ये सपोज मैं कोई प्राइम इंटीजर लूँ, मान लिया मैंने 3 ले लिया. ओके, तो देखना है कि क्या ये जो 3 है वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है. देखिए 3 जो है 12 को तो डिवाइड करता है. ओके, यानी कि 3 जो है 4 × 3 को तो डिवाइड करता है. देखिए यहाँ पे 12 जो है ए बी है, और 4 × 3 4 जो है ए की तरह काम कर रहा है और 3 जो है बी की तरह काम कर रहा है. ओके, अगर 3 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है इज़ इक्वल टू 3 जो है 4 × 3 को डिवाइड कर रहा है, राइट? तो ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि 3 जो है वो 3 को डिवाइड कर रहा है. देखिए 3 जो है 3 को डिवाइड करता है, राइट? यानी कि 3 जो है ए और बी में से जो ये बी वाला पार्ट है इसको डिवाइड कर रहा है. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है एक प्राइम एलिमेंट है. क्योंकि प्राइम एलिमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई पी ए बी को डिवाइड कर रहा है और ये इम्प्लाई करे कि पी जो है उन ए और बी में से किसी एक को डिवाइड करता है, तो पी जो है प्राइम एलिमेंट बनाता है. ओके, तो यहाँ पे ए था 4 और बी था 3, तो 3 जो है 4 को तो डिवाइड नहीं करता. ओके, इतना क्लियर है. लेकिन 3 जो है 3 को डिवाइड करता है, क्योंकि आप 3 को लिख सकते हो 1 × 3, और 1 जो है वो R में है, क्योंकि ये बता रहा है कि इसके पास यूनिट एलिमेंट है.
ओके, लेकिन 4 जो है मतलब 3 जो है 4 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन कम से कम 3 जो है 3 को तो डिवाइड करता है, राइट, एक एलिमेंट को तो डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है काम कर सकता है एज अ प्राइम एलिमेंट। ओके, अब दूसरा पार्ट भी देखते हैं। सपोज 3 जो है 12 को डिवाइड करता है, राइट, तो 3 जो है 12 को लिख सकते हैं हम 6 × 2। अब देखिए ये हमारा ए बी है और 6 जो है काम कर रहा है एज अ ए और 2 एज अ बी। ओके, तो ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि 3 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3 और जो ये 2 है ये इंटीजर से बिलोंग करता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 जो है 6 को डिवाइड करता है, यानी कि 3 ने ए को डिवाइड किया, एटलीस्ट एक एलिमेंट को तो डिवाइड किया, राइट, लेकिन 3 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं करता। ओके, क्यों नहीं करता, क्योंकि हम कहने को तो कह देते हैं कि 2/3 जो है 0.666 वगैरह आएगा, लेकिन ये चीज़ जो है वो इंटीजर में बिलोंग नहीं करती। ओके, इसका मतलब 3 जो है 2 को डिवाइड नहीं करता, सेट ऑफ इंटीजर में 3 जो है 2 को डिवाइड नहीं करता। ओके, तो हमने क्या किया था, 3 जो है 12 को डिवाइड करता है और 12 को हमने लिख दिया 6 × 2, राइट, यानी कि 3 जो है कम से कम एक एलिमेंट को तो डिवाइड करता है, राइट, इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो प्राइम एलिमेंट है। ओके, तो प्राइम एलिमेंट का बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है कि अगर मैं कोई ए बी आर से लूँ, ओके, और वो जो एलिमेंट है वो ए बी के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, अगर ये चीज़ इम्प्लाई करे कि वो जो पी है उस ए और बी में से किसी एक को भी डिवाइड करे, तो हम उस पी को क्या कहेंगे, प्राइम एलिमेंट। ओके, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में जो प्राइम इंटीजर्स होते हैं वो काम करते हैं एज अ प्राइम एलिमेंट। ओके, तो देखते हैं कि जो प्राइम एलिमेंट के अलावा है, सपोज जैसा 4 है, तो क्या 4 प्राइम एलिमेंट है या नहीं है सेट ऑफ इंटीजर्स में। देखिए 4 जो है 12 को डिवाइड करता है, राइट, तो आप 4 जो है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड्स 12 को हम लिख सकते हैं 6 × 2। ओके, अब ये देखिए ये हमारा ए बी है और मान लो 6 जो है वो ए है, 2 जो है वो बी है। अब देखिए 4 ना 6 को डिवाइड करता है, 4 ना 2 को डिवाइड करता है, दिस इम्प्लाइज 4 जो है 6 को भी डिवाइड नहीं करता, 4 जो है वो 2 को भी डिवाइड नहीं करता, यानी कि 4 जो है ना ए को डिवाइड कर रहा है ना बी को डिवाइड कर रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 जो है प्राइम एलिमेंट की तरह काम नहीं कर सकता। ओके, तो ये मतलब था प्राइम एलिमेंट का। ओके, नेक्स्ट इज इरिड्यूसिबल एलिमेंट। ओके, सो इरिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होता है, एन एलिमेंट पी of a commutative ring R with unity is called irreducible element। किसी P जो किसी commutative ring with unity से belong करता है उसको हम irreducible element कब कहेंगे, number वन वही पहली condition वही है कि ये जो P है वो एक non zero element होना चाहिए और वो एक unit नहीं होना चाहिए। okay, so P is not a unit element। okay, second ये कि इस P के पास कोई प्रॉपर फैक्टर नहीं है। ओके, P has no proper factors। ओके, अब P के पास प्रॉपर फैक्टर ना होने का क्या मतलब है, देखिए अगर मैं फिर से वही एग्जांपल लूँ, रिंग ले लूँ मैं सेट ऑफ इंटीजर से। ओके, तो अगर मैं कोई एक एलिमेंट लेती हूँ, मान लिया मैंने 6 ले लिया। ओके, अब देखिए 6 के पास फैक्टर कौन से हैं, 2 × 3, 6 को आप 2 × 3 भी लिख सकते हो, 6 को आप जो है 1 × 6 भी लिख सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे 1 और 6 जो है 6 के इम्प्रॉपर फैक्टर्स हैं। ओके, और 2 और 3 को हम कहते हैं प्रॉपर फैक्टर। ओके, यानी कि 1 और उस एलिमेंट के अलावा जो भी फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम प्रॉपर फैक्टर कहते हैं। ओके, तो देखिए अगर 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, राइट, तो इसका मतलब ये है कि 6 के पास 2 और 3 प्रॉपर फैक्टर हैं, तो 6 जो है वो इरिड्यूसिबल एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं 3 लिखूं, 3 को आप लिख सकते हो 1 × 3, और दूसरा ये क्योंकि हम इंटीजर से ले रहे हैं तो -1 × -3। ओके, तो दोनों के केस में जो है आंसर 3 आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 3 के पास प्रॉपर फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 एक यूनिट एलिमेंट है, -1 भी एक यूनिट एलिमेंट है। तो प्रॉपर फैक्टर ना होने का मतलब होता है कि जब भी
P इज इक्वल्स टू ए बी हो, तो ये चीज़ इम्प्लाई करे कि या तो A यूनिट हो या तो B यूनिट हो. ओके, जब भी P जो है AB के बराबर आता है तो इन A और B में से कोई एक यूनिट पक्का होगा, तब हम P को जो है इरिड्यूसिबल एलिमेंट कहते हैं. ओके, जैसे कि 3 के केस में 3 इज इक्वल टू 1 × 3, तो यहाँ पे 1 जो है वो एक यूनिट एलिमेंट है. 3 इज इक्वल्स टू -1 × -3, तो यहाँ पे -1 एक यूनिट एलिमेंट है. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैंने 3 के फैक्टर्स निकालने चाहे उनमें से एक जो है यूनिट एलिमेंट आया. राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 काम करता है एज अ इरिड्यूसिबल एलिमेंट, क्योंकि इसके पास प्रॉपर फैक्टर्स नहीं हैं. तो प्रॉपर फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो यूनिट एलिमेंट के अलावा होते हैं. तो प्रॉपर फैक्टर्स यानी कि जो यूनिट के अलावा जो फैक्टर्स होंगे उनको हम प्रॉपर फैक्टर्स कहते हैं. ओके, तो यानी कि इरिड्यूसिबल एलिमेंट का क्या मतलब हुआ कि पहली बात वो एक नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन यूनिट होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये कि अगर उसके कोई फैक्टर्स निकलते हैं तो उनमें से एक यूनिट पक्का होगा. तो हम इस वैसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, इरिड्यूसिबल एलिमेंट. नेक्स्ट इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइज़र. ओके, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिवाइज़र क्या होते हैं. डिवाइज़र मतलब जो किसी एलिमेंट को डिवाइड करता हो. ओके, सपोज मैंने कोई नंबर ले लिया, नंबर नहीं इंटीजर का एक एलिमेंट ले लिया मैंने 25. ओके, तो ये 25 जो है सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है. सेट ऑफ इंटीजर जो है एक कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी. ओके, तो 25 के डिवाइज़र कौन कौन से होंगे. 1. ओके, 1 क्यों, क्योंकि आप 25 को लिख सकते हो 25 इज इक्वल टू 1 × 25, यानी कि 1 जो है 25 को डिवाइड करता है. 1 हो गया, उसके बाद -1 भी होगा. राइट, क्यों, क्योंकि 25 को आप लिख सकते हो -1 × -25 विच इज़ अगेन 25, यानी कि -1 भी जो है 25 को डिवाइड करता है. दूसरा कौन सा, वो 25 खुद. ओके, यानी कि 25 खुद, क्यों, 25 को आप लिख सकते हो 25 × 1, क्योंकि आप 25 को जो है 25 के फॉर्म में ही लिख रहे हो. इसका मतलब ये है कि 25 जो है 25 को डिवाइड करता है. उसके बाद -25, क्यों, क्योंकि 25 को आप लिख सकते हो -25 × -1. ओके, तो यहाँ पे देखिए सारे एलिमेंट जो है इंटीजर के हैं. 1 भी इंटीजर का है, 25 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, -25 भी इंटीजर है. ओके, तो जब भी डिवाइज़र हम जो भी बात कर रहे हैं वो हमेशा रिंग के अंदर जो एलिमेंट हैं उन्हीं के साथ बातें करते हैं. ओके, सो इसका मतलब ये है कि 25 के 4 डिवाइज़र हमेशा होंगे. कौन सा, एक 1, एक -1, एक वो खुद और एक उसका निगेटिव वाला, यानी कि -25. अगर आप इनको ध्यान से देखें तो 1 और -1 जो है इंटीजर्स के यूनिट हैं. राइट, तो ये जो यूनिट हैं वो हमेशा इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं. ओके, दूसरा ये 25 और -25 ये एसोसिएट्स हैं. एसोसिएट्स भी उस एलिमेंट को डिवाइड करते हैं, यानी कि हर एलिमेंट को जो है यूनिट और उसके एसोसिएट हमेशा डिवाइड करेंगे. ओके, तो क्योंकि ये हमेशा डिवाइड करने वाले डिवाइज़र हैं तो हमने इनको नाम दिया है ट्रिवियल डिवाइज़र, या फिर आप इनको कह सकते हो इम्प्रॉपर डिवाइज़र. ओके, जो हमेशा होते हैं, सो दीज आर इम्प्रॉपर डिवाइज़र. लेकिन 25 को हम ये भी लिख सकते हैं 5 × 5, या फिर -5 × -5. राइट, तो ये इसके क्या हुए, प्रॉपर डिवाइज़र. तो प्रॉपर डिवाइज़र वो डिवाइज़र होते हैं जो यूनिट और एसोसिएट इसके अलावा जो भी डिवाइज़र होते हैं वो प्रॉपर डिवाइज़र होते हैं. ओके, सो ये डेफिनेशन थी प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिवाइज़र की. इम्प्रॉपर डिवाइज़र यानी कि यूनिट्स और एसोसिएट्स उस एलिमेंट के, और प्रॉपर डिवाइज़र यानी कि यूनिट और एसोसिएट के अलावा जो भी डिवाइज़र हैं वो प्रॉपर में हैं. लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी हम डिवाइज़र की बात करें किसी एलिमेंट की, तो वो जो एलिमेंट है वो एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए.